हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक हम क्लाइमेट चेंज के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। हमने इस टॉपिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आज के इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनली वो कौन से चंद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे दिग्गज मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो खासकर एनवायरनमेंट के लिए ही बनाया गया है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ही काम करता है, वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रेस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल इश्यूज विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल इश्यूज से ही डील करता है। ओनली एनवायरमेंट ही इसका प्रायोरिटी है। एनवायरमेंटल इश्यूज को रिस्पॉन्स किस तरीके से दिया जाए, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या हो सकते हैं, दुनिया भर में अवेयरनेस प्रोग्राम्स किस तरीके से चल रहे हैं, उन सभी के बारे में ए टू जेड वन स्टॉप सोल्यूशन अगर कुछ है, वन स्टॉप कंक्लूडिंग अगर कोई एजेंसी है खासकर यूनाइटेड नेशंस के अंडर, तो वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय मॉरिस स्ट्रॉन्ग, इट्स फर्स्ट डायरेक्टर आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम इन जून 1972। हमने ऑलरेडी कई बार इस ह्यूमन एनवायरनमेंट के कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा, जिसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, 1972, जहां पर सबसे पहली बार यह एक्सेप्ट किया गया था कि यस, क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सबसे पहले डायरेक्टर जो थे वो मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे। तो भाई ये आखिरकार करता क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड सब कुछ करता है, लेकिन इसके चंद विजन्स और ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे, जैसे कि इट इज़ मैंडेटेड टू प्रोवाइड लीडरशिप, डिलीवर साइंस एंड डेवलप सॉल्यूशंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, मैनेजमेंट ऑफ मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओवरऑल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर कोई चीज़ पर जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम काम करता है। आगे आप जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ट्रीटीज वगैरह देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल या फिर रियो समिट 1992 वगैरह, हर जगह पर आपको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है देखने को मिलेगा। एक मेजर स्टेक होल्डर है। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वगैरह जो आज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं UNEP हर उस इनिशिएटिव में इन्वॉल्व है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए ये सभी जो है वो चंद इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस और ट्रीटीज और प्रोटोकॉल्स भी हैं। हम आगे के चैप्टर में जब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड एनवायरमेंटल ट्रीटीज, तो वहाँ पर अगेन इनके बारे में हम वहाँ पर ब्रीफली पढ़ेंगे। मैं आपसे रिकमेंड भी करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने इन सभी के बारे में डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज प्राइमरली अ मल्टीलैटरल ट्रीटी गवर्निंग एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज थ्रू अडैप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स डायरेक्टेड एट कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस दैट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो कि टेम्परेचर को जो है बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को कैप्चर करते हैं और उसे एटमोसफियर में ही ज़्यादा देर तक जो है रिटेन करते हैं। तो इस तरीके के ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए UNFCCC ये जो कन्वेंशन है वो साइन किया गया था, ये ट्रीटी जो है पास की गई थी 1992 में। रियो समिट जो था, अर्थ समिट, वहाँ पर जो है तीन इस तरीके के इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो है वो साइन किए गए थे। सबसे पहला UNFCCC, दूसरा जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और तीसरा जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे थ्री सिस्टर ट्रीटीज भी कहा जाता है। हम आगे के स्लाइड्स में भी उनके बारे में पढ़ेंगे। इवन दो क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल कंसर्न, सम ऑफ द कंट्रीज आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वहाँ पर कैपिटा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैं व्हेन कंपेयर्ड विद द डेवलपिंग कंट्री। भले ही इंडिया और USA के ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लेवल सेम क्यों ना हो, लेकिन पर कैपिटा यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर जब हम देखें तो USA में जो है पर कैपिटा कंजम्पशन और पर कैपिटा जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैस का वो बहुत ही ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड विद इंडिया। इट इज कॉल्ड द रियो कन्वेंशन अलॉन्ग विद इट्स सिस्टर कन्वेंशन। अभी जैसे मैंने कहा कि तीन कन्वेंशन जो थे वो साइन किए गए थे, दादर वन और UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं जो कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट को लेकर बहुत ही सीरियस हैं।
तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो कन्वेंशन है वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देखिए डेजर्टिफिकेशन का माना ये नहीं कि डेजर्ट्स एक्सपैंड होते हैं, डेजर्टिफिकेशन का माना कि ऑलरेडी जो फर्टाइल लैंड है, जो ऑलरेडी जो अच्छा खासा लैंड है जो कि यूसेज में है या फिर जो फॉरेस्ट है, उसे डेजर्टिफाई किया जा रहा है, उसे डिग्रेड किया जा रहा है हमारे एडवर्सिटीज़ की वजह से, हमारे एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से, हमारे एडवर्स कामों की वजह से उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। वो अपनी फर्टिलिटी खो रहा है और वहाँ पर सॉइल जो है वो डिग्रेड हो रहा है, डेजर्टिफाई हो रहा है, यानी कि किसी भी काम का वो सॉइल नहीं रहा है वहाँ पर, ना ही क्रॉप्स वगैरह उग रहे हैं, ना ही प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ या फिर ह्यूमन लाइफ वहाँ पर सस्टेन या सर्वाइव की जा रही है। तो ये डेजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम भी बहुत ही सीरियस है। तो यूनाइटेड नेशन ने इसे भी कॉम्बैट करने के लिए कन्वेंशन जो है वो साइन किया हुआ था। इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एम्ड एट एड्रेसिंग डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट्स। अगेन ड्रॉट्स इज ऑल्सो वन सच फिनोमेना, डेजर्टिफिकेशन से ही जो है ड्रॉट्स आते हैं या फिर ड्रॉट्स की वजह से ही डेजर्टिफिकेशन आते हैं। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन, यानी कि जो कोई भी पार्टीज हैं इन कन्वेंशन के चाहिए कि वो हर हाल में इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। लिंकिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट जब वो करें तो सस्टेनेबल हो, एडवर्सली जो है वो इफेक्ट ना करें एनवायरमेंट को। द UNCCD addresses particularly the arid, semi-arid and dry sub-humid areas called dry lands where some of the most vulnerable ecosystems and people are found. ज़्यादातर जो desert ecosystem जिसे हम कहते हैं, arid region जहाँ पर है, dry lands जहाँ पर है, जहाँ पर water की adequate facility नहीं है, scarcity है, तो वहाँ पर किस तरीके से हम sustainable development ला सकते हैं, वहाँ पर adequate water resources किस तरीके से हम ला सकते हैं, वहाँ पर आसपास जो है जो fragile होता है ecosystem उसे किस तरीके से preserve कर सकते हैं। The convention was drafted and opened for signing in 1994. It became effective in 1996 after receiving 50 ratification. India is also one of the party and member of United Nations Convention to Combat Desertification. और तीसरा जो सिस्टर कन्वेंशन है जो कि 1992 रियो समिट में साइन किया गया था वो था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमने बायोडाइवर्सिटी पर बहुत ही चर्चा की हुई है ऑलरेडी, तो उस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भी यूनाइटेड नेशन ने सीरियस कदम उठाए हैं। तो इनफॉर्मली नोन एज बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, इट इज़ अ मल्टीलैटरल ट्रीटी ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट इन रियो इन 1992। ये भी वहीं पर ओपन किया गया था सिग्नेचर करने के लिए। इट इज़ अ की डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से मेजर इनिशिएटिव्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है योगदान देता है, रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। द कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स सिग्नेटरीज। तो कम्बैक्ट टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन अभी पिछले वाला जो हमने देखा एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों ही जो है लीगली बाइंडिंग है, यानी कि एक बार अगर आप सिग्नेटरी बन जाएंगे उस कन्वेंशन के, चाहिए कि आप उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। The Conference of Parties is the governing body of the convention. It consists of the government that have ratified the treaty. हर साल जो है Conference of Parties यानी कि representatives होते हैं अलग अलग सरकारों के जिन्होंने इसे treaty को sign किया हुआ है, वो आते हैं कोई एक specific जगह वो चुनते हैं और वहाँ पर जो कोई भी important developments हैं, reports, data वगैरह वहाँ पर discuss करते हैं, जो कोई भी necessary steps future में लेने चाहिए उन सभी के बारे में discuss करते हैं, कोई amendments अगर ज़रूरत हो इस convention को, treaty को, वो सभी जो है वहाँ पर पास किए जाते हैं, यानी कि एक सुप्रीम एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP जो है वो एक्ट करता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। हम आगे के पार्ट में इसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।